तो दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी इंतजार किया, यानी कि चैनल के ऊपर लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है कि मैंने कोई भी वीडियो जो है पब्लिक नहीं की थी। उसके भी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कारण थे। तो फाइनली आज जाके मैं आप लोगों के लिए सन्यासी आयुर्वेदा, यानी कि मेरी पिछले चैनल के ऊपर काफ़ी ऐसी वीडियो डली हुई थी जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे कि सर इस चीज़ का जवाब दीजिए, इस चीज़ का जवाब दीजिए। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सारा जो है Q&A यानी कि क्वेश्चन और आंसर का जवाब देने के लिए आ चुका हूँ मैं आप लोगों के। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अब आप लोगों को जो है हर संडे नए नए टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के एक एक कमेंट का जवाब देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर मैंने जो है अपना लेटेस्ट जानकारी के नाम से जो मेरा चैनल है उसका मैंने जो है अपना फ्रंट पेज ओपन कर लिया है। और भाई अब ये डाउन काफ़ी हो चुका है चैनल मेरा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से जो इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाई थी। तो आज मैं एक एक जो है आप लोगों के आंसर का जो है जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर देखिए, मैंने एक टाइटल रखा था सेहत टैबलेट, यानी कि जो सन्यासी आयुर्वेदा का सेहत टैबलेट है यानी कि दवाई है, उसको छोड़ देने के बाद या फिर छोड़ने के क्या क्या तरीके थे। तो मैं कंटिन्यूस आप लोगों को एक एक वीडियो का कमेंट आके नीचे पढ़ के बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लिखा है कि वेट कम हो जाएगा क्या फिर से। जी हाँ दोस्तों, ये बात रियलिटी है कि आप लोगों का वेट जो है वो फिर से कम हो जाएगा। किसी का 2 महीने में हो रहा है, किसी का 4 महीने में हो रहा है, लेकिन वेट कम हो जाता है, ये 100% सच बात है। अब दूसरे कमेंट की बात करें तो भाइयों, इसमें भी लिखा है कि भाई मैं भी खा रहा था 2 महीने से, अब वजन जो है ऑटोमेटिकली कम होने लग गया है। ये बात रियलिटी है, मैंने आप लोग को बताई दिया कि ऑटोमेटिकली इसका जो है वेट अब कम हो ही जाता है, चाहे वो कैसी भी दवाई क्यों ना हो। लोग बता रहे हैं बीमारी होती है, क्या सही है या गलत? बीमारी से रिलेटेड तो दोस्तों मैंने इसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा अभी तक, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम यूज किया। हालांकि इनका कहना है कि 2 या 3 महीने ही आप जो इसको यूज कीजिए, हमने तो दोस्तों 7 मंथ यूज किया, लेकिन इसका कोई भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा शरीर के ऊपर। तो आप लोगों को भी जो है ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बीमारी वगैरह नहीं होती है जहां तक हमने देखा है। लेकिन सबके शरीर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो शायद किसी को कुछ ना कुछ थोड़ी मोटी हेडेक जो है हो सकती है वो। अब बात कर लेते हैं अगले कमेंट की, तो इसमें एक लिखा है कि हमें तो अलग तरीका बताया छोड़ने का। आप लोगों को अलग तरीका बताया होगा आपके शरीर के हिसाब से, लेकिन जो मैंने अपना जेन्युइन तरीका अपनाया था जिसके कारण कोई भी जो है हमें साइड इफेक्ट भी नहीं मिला देखने को, और शरीर भी जो है सही सही सा रहा है हमारा, तो आपकी वो है, बाकी तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से छोड़ देना। लेकिन अब इसमें नीचे भाई ड्राइविंग से रिलेटेड है, ये मैंने काफी टाइम पहले वीडियो डाला था। भाई वैकेंसी आती रहती है, मैंने कितने बार आप लोग को बता दिया कि नीचे आप कमेंट के अंदर जाके इंस्टाग्राम आईडी मेरी देख के वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपका DM पर जो है पर्सनली जो है जवाब देता हूँ। तो आप आइए, इंस्टाग्राम पर लिंक मैंने दे रखा है, ऊपर प्रोफाइल भी आप देख सकते हो, उस पे जाकर के आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां से जो है हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। अगर फेस टू फेस अगर हमारी बात होती है तभी आप यकीन करना, अगर इसी नाम से या फिर इसी फेक अकाउंट से कोई भी आपको कमेंट करता है तो उसका जवाब ना दे, ना ही जो है उसके साथ बात करें। अब आगे है, हेलो भाई साहब, अगला कमेंट देख लीजिए दोस्तों, इसमें लिखा है सन्यासी आयुर्वेदा खाने से झारा नहीं होता है। अब झारा का मतलब मेरे को पता नहीं भाई, झारा किसे कहते हैं, तो आप लोग दोबारा कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा जवाब दे दूंगा। अब उससे निचला कमेंट है कि भाई मैंने भी ये लिया था, 20 दिन हुए हैं लेते हुए, 5 किलो वेट गेन हो गया है मेरा। हाँ भाई, मास्टर बेसन हिलाना छोड़ दो तब वेट गेन होगा, नहीं तो दुनिया कितनी महंगी दवाई खा लेना, वेट गेन नहीं होगा। सबसे पहले बात बता दूं कि ये दवाई लेडीज के लिए थी, और दूसरी बात उसमें मास्टर बेट की भाई ने किया है, वो तो भाई अगर ना भी करोगे तो हफ्ते में एक बार तो अपने आप ही हो जाता है रिलीज, आपको ही पता होगा इसने तो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो बाकी इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना आप कह रहे हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके कारण वेट कम हो। हाँ चलो, वो तो एक लेडीज थी, आप भी इसको खा के देख लीजिएगा, अगर 5 किलो वजन बढ़ाया, आपने कभी 1 महीने पहले लगभग कमेंट किया था, और आप 2 महीने बाद दोबारा से कमेंट करना, अपना वजन तोल के बताना, फिर बताना कि मास्टर बेट आपने कितना किया कितना नहीं, इसमें आपका भी जो है पता लग जाएगा। अगला दोस्तों, जॉब मिलेगी? जी हाँ जरूर मिलेगी जॉब, आप लोग आइए हमारे इंस्टाग्राम पर DM कीजिए, हम आपको जॉब भी जो है जितना हो सके जल्दी दिलाने की कोशिश करेंगे। अब उससे अगला कमेंट है भाई, इससे लेने से मेरी बॉडी मलन बहुत वीकनेस हो रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और इफेक्टिव कम भी नहीं हो रहा है, 15 दिन से ले रहा हूँ। किसी किसी शरीर के अंदर कोई कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप इसको एक तरीका चेंज करिए थोड़ा सा अपने तरफ से, कि आप किस हिसाब से ले सकते हो, और उसी को दवाई को लीजिए जो अपने शरीर को लग रही हो। ऐसी दवाई मत लीजिएगा अगर आपके शरीर पे वो असर ही ना कर रही हो और आप ले रहे हो उसको, या फिर उसका इम्पैक्ट आप लोग को गलत देखने को मिल रहा है, तो उसको छोड़ दो, उसका आपका कोई भी फायदा नहीं है लेने का, आपका शरीर का नुकसान ही होगा, ये बात याद रखना दोस्त। अगर हो सकेगा वही दवाई ले जो आपका शरीर एक्सेप्ट करता है, किसी बेकार दवाई को ना लेना, ठीक है? मैं सजेस्ट ये करूंगा आप लोगों से। भाई एक वीडियो देखी थी आदमी की किडनी खराब हो गई है, सच ऐसा है क्या?
दोस्तों मेरे को तो पता नहीं किडनी खराब हो गई है कि नहीं हो गई है, बाकी ये दवाइयां ही हैं सारी देख लो। और इस शरीर का आप लोगों को पता है दवाइयां तो दवाइयां ही होती हैं, देसी जड़ी बूटियां कुछ होती है वो नेचुरल थोड़ी चीज होती है, उसमें थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है, दवाइयां थोड़ी ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किडनी वगैरह खराब हुई, हमने भी जो है पर्सनली इसको खा के देखा है, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर जी मैं हैंडीकैप हूँ सर जी, नंबर सेंड करना जी। भाई आप हैंडीकैप हो लेकिन हैंडीकैप से रिलेटेड भी बहुत कम जॉब आती है मेरे पास, जिनमें आराम से बैठ के आप काम कर सकते हो, जैसे सिलाई वगैरह का हेल्पर का काम होता है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन आप पर्सनल जाके इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कीजिए, हम वहाँ पे आपका लो आपका जवाब भी देंगे और आपके लिए जॉब भी बहुत बढ़िया ढूंढ के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी से मेरा अनुरोध है मत लेना, वो भाई आपकी इच्छा है मैं कहूंगा नहीं, बाकी कोई लेता भी है कोई नहीं भी लेता है, इनका तो हजारों प्रोडक्ट डेली बिकते हैं भाई, आपके कहने से कोई लेगा नहीं लेगा वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे हिसाब से भी मत ही लेना अगर मैं कहूँ तो। किसी किसी का वेट गेन हो रहा, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि भाई करके देख लूँ तो 1 या 2 मंथ खा के देख सकते हो आप सिर्फ, उसके बाद ना लेना, अगर आपको इम्पैक्ट दिखे तो लेना नहीं तो मत लेना। अब उससे अगला कमेंट है कि मत लेना ये गोली, वजन बढ़ाने बढ़ाएगा पर छोड़ने के बाद पूरा बदन पिकक जाएगा। ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपका 10 किलो वेट बढ़ भी गया तो लगभग 2 तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि वो 2 उस चीज का है जो आप गोली खाते वक्त आपको भूख लगी थी, आपने नेचुरल चीजें खाई है, वो सिर्फ उसका इम्पैक्ट रहेगा, दवाई का जो फर्क था वो हट जाएगा आपका, और जो आपकी भूख जैसी इंक्रीज हो जाएगी तो आपका सिर्फ वही फर्क रहेगा, तो इसमें कोई भी जो है घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता मोबाइल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई ना मोबाइल नंबर मैंने हटा दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज या अगर कॉल आ रहे थे, तो आप डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मेरे मैसेज कर सकते हो, आप लोग देख सकते होंगे वहां पे जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला कमेंट है बहुत बेकार दवाई है, मना 1 मंथ यूज किया है कोई भी ना ले। भाई देख मैंने पहले आप लोग को बता दिया कि 1 महीने में कोई असर नहीं करेगी, कम से कम भी 2-3 महीने बाद जाके आप लोग का जो है इसका असर देखने को मिलेगा, हालांकि इनके द्वारा बताया गया है कि 15 दिन के बाद असर दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग ले सकते हो लेकिन 2 मंथ से ऊपर मत लेना, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, 2 महीने तक आपको कुछ वजन का फर्क नजर आया तो आप ले सकते हो, वरना आप इसको छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला कमेंट है भाई क्या मैं भी ले सकता हूँ दवाई, प्लीज बताएं इसके नुकसान तो नहीं है। नुकसान कोई नहीं है अगर आप अपने हिसाब से लोगे, अगर इसको नाजायज तरीके से लोगे तो नुकसान भी देखने को मिलेंगे, अगर आप बीमार हो या कोई दवाइयाँ चल रही हैं 1 महीने से, कुछ भी ऐसा दिक्कत हो तो आप मत लो, जब आपका शरीर बिल्कुल फिट हो, आप खाने के लिए तैयार हो, कोई आपका परहेज वगैरह नहीं है किसी प्रकार से, कोई आपके शरीर में बीमारी नहीं है तो आप ले सकते हो, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी आएगी अगर आपका किसी भी चीज में आप लोगे। अब अगला कमेंट है भाई मुझे बहुत नींद आया, प्लीज बताओ ये दवाई खाने से नींद आती है क्या। नींद किसी किसी को आ भी रही है, मैंने काफी कमेंट देखे हैं और नीचे काफी कमेंट है भी हैं, फिलहाल के लिए मैं 10-15 क्वेश्चन ही आप लोग को आंसर कर पाया हूँ और यही जो है आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे, लेकिन अब नेक्स्ट अभी मैं आप लोग को अगले क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा, और ऐसे ही आप लोगों के लिए अब दवाइयाँ जितनी भी अब मैं मेडिकल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के बताता रहूंगा, हर संडे आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आएगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले संडे आप लोग को बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मैं जानकारी देने वाला हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।